इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर थाना नौबस्ता से आ रही है। आपको बता दें, नौबस्ता थाना में तैनात राजीव यादव सिपाही अश्लील हरकत करते गैर महिला के संग पकड़ा गया। सिपाही की पत्नी ने रंगे हाथों राजीव सिपाही को पकड़ा। हंगामा कटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आपको बता दें, सिपाही राजीव ने कांस्टेबल पद पर होते हुए दरोगा का फर्जी आई कार्ड बनवाया। सिपाही की पत्नी का कहना है कि कांस्टेबल राजीव दरोगा का आई कार्ड बनाकर रोप गाइड कर करता है अवैध रूप से धन की उगाही। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वीडियो वायरल। सिपाही की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। शादीशुदा होने के बाद भी अन्य महिलाओं से अवैध संबंध रखता है राजीव सिपाही। देखे पूरी खबर सिर्फ न्यूज जंक्शन पर। ये बीबी है, ये बच्चा है, पहले भी आता यहाँ रंगलियां बना रहा। बहुत अयाज टाइप का सिपाही है, आईडी बनाए हुए है ईसाई की, जिससे वो लूट मार कर रहा है। 33 लाख का वहाँ फ्लैट लिए हुए है, और यानी कितनी इसके पास प्रॉपर्टी है। फ्लैट लिए और कार से चलता है, डेली अप डाउन करता है यहाँ से लखनऊ तक, और मुझे बहुत धमकी देता है। इतनी शिकायत ये करने आए थे कि मेरे हस्बैंड पुलिस में है, सिपाही के पद पे कार्यरत हैं नौबस्ता थाने में, जिन्होंने अब शादी कर रखी है, लखनऊ में उसको रखते हुए हैं, और उससे एक बच्चा भी है 2.5 साल का। मुझे तक अभी तक पता नहीं था, अब मुझे पता चला तो मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा भी है, जिससे मेरे पास उनका वीडियो भी है। अयाज टाइप का सिपाही है, और एक फर्जी आईडी एसआई के पद पे बनवाए हुए है, जिससे वो लूट मार बहुत करता है, बहुत उसकी कमाई उजूल फजूल की है, और हमको बहुत परेशान कर रहा है, धमका रहा है कि मैं तुझे मरवा दूंगा, इससे मैं परेशान हूँ और हर जगह एप्लीकेशन दे रही हूँ। तो ये लोग जो है पुलिस में होने के कार्यरत, वो जो मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं पे, नौबस्ता थाने में शिकायत की, लखनऊ में भी की मैंने शिकायत जाके, मगर कहीं मेरी कुछ सुनाई नहीं हो रही है सर। हाँ, वीडियो भी है मेरे पास। आपके पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जी, जिसमें जो है वो महिला के साथ में क्या है वो उनकी, वो बोलते हैं मेरी बीवी है। आवेदिका श्रीमती विजय राज यादव, पत्नी श्री राजीव यादव, निवासी मकान नंबर 22A मछरिया रोड,
थाना नौबस्ता ने डीसीपी दक्षिणी महोदय के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि थाना नौबस्ता में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव यादव ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की हुई है। उनके इस प्रार्थना पत्र पर जांच एसीपी गोविंद नगर को आवंटित की गई है। जांच रिपोर्ट के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।